सो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का जो ग्रुप बी मैच है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रुप बी का जो मैचेस है उनके बारे में। और दोस्तों, हम लोग पहले बात करने वाले जर्सी टीम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो इस टीम के लिए फुल स्टैट्स, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, बेस्ट प्लेयर एनालिसिस फॉर कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड ग्रैंड लीग का कुछ टिप्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। पूरा वीडियो देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। सो दोस्तों, यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप में काफी सारे टीम्स की मैच होंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जर्सी टीम के बारे में। पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पहली बात तो ये कि यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक टीम की स्टैट्स मिलेंगे। सो ग्रुप बी में यहाँ पे बेल्जियम है, क्रिया है, रशिया, ग्रेंसी और साथ में जर्सी, ये पांच टीम की स्टेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों अलग अलग से। और आप कोई भी वीडियो आप जाके देख लेना जब भी आपको किसी भी प्लेयर के स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं बता दूं कि अगर आप अपनी फाइनल टीम लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल पे होना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे आपको स्टैट्स मिलेंगे, ठीक है। चलेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे डिटेल में जर्सी टीम के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखा गया है, फिर भी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, उस हिसाब से हम डिटेल में बात करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि कुछ प्लेयर को मैंने स्टार पिक किया है और उनमें से एक तो इनके ओपनर है निन, जो कि T10 के मैचेस इन्होंने खेले नहीं, लेकिन T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेला है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको एज ए ओपनर हम देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लब लेवल पे या फिर अंडर 19, अंडर 16 के लेवल पे काफी सारे मैचेस पे ओपनिंग करी है और काफी अच्छे पावर हिटर बैट्समैन भी है। ग्राउंड छोटे होते हैं, जर्सी का टीम काफी अच्छे करने वाले हैं, क्योंकि होता क्या है मैं आपको बता दूं कि इन सारे मैचेस के लिए जहां पे जर्सी का जो टीम है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाले हैं, क्योंकि इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल खेलने की एक्सपीरियंस है। सो डेफिनेटली वो उस चीज को याद रखिएगा। सो इनके लिए दोस्तों दूसरा ओपनर हो सकता है कि पैट्रिक है, और जो कि पहले भी T10 के लिए ओपनिंग कर चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को जरूर मिलते हैं। T10 है और यूरोपियन क्रिकेट नेटवर्क की है, सो डेफिनेटली आपको बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस मिलेंगे देखने को। सो यहाँ पे ये दोनों ओपनर के अलावा इनके पास जो और ओपनर है मैं बता दूं आपको, देख सकते हो जॉस रैनसन, जो कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, इन्होंने 6 मैच खेले, 102 रन स्कोर करी है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें T20 इंटरनेशनल की, तो इन्होंने 8 मैच पे 74 स्कोर किया है। मैं आपको बता दूं इनका जो वनडे रिकॉर्ड है ना, काफी बढ़िया है उस लेवल पे। इनका T20 और T10 का रिकॉर्ड उतनी अच्छी नहीं है, सो उस वजह से बैटिंग ऑर्डर में हो सकता है कि ओपनिंग करे या फिर 5-6 नंबर पे बैटिंग करे, ठीक है। बाकी दोस्तों, इस टीम की बेस्ट पावर हिटर बैट्समैन है ट्राइब, जो कि 15 मैच के लिए 346 स्कोर किया है, 2 विकेट्स लिए, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं। 2023 की बात करें तो 6 मैच पे 153 स्कोर किया है दोस्तों, और T20 इंटरनेशनल पे भी इन्होंने बहुत अच्छी करी है, 21 मैच पे 395 स्कोर किया है, बहुत अच्छे प्लेयर है इस टीम के लिए। उनके अलावा दोस्तों बेस्ट ऑलराउंडर है सुमेरियर, जो कि 9 मैच पे 132 स्कोर किया है। बॉलिंग इन्होंने T10 पे ज्यादा करी नहीं, बट एक्चुअली बहुत अच्छे बॉलर है, आप देख सकते हो इनके T20 की परफॉर्मेंस। सो डेफिनेटली एक अच्छे टॉप ऑर्डर ऑलराउंडर है, आप इन्हें बेझिझक कैप्टन बना सकते हो, बेस्ट ऑप्शन फॉर ए कैप्टन वाइस कैप्टन। हालांकि उन्होंने 2022 का स्टैट्स है, और बॉलिंग तो नहीं करी थी और 23 में इन्होंने खेले नहीं है, बट एक्चुअली ये काफी अच्छे ऑलराउंडर है। उनके अलावा दोस्तों जैक है, जो कि 16 मैच खेले अभी तक, 305 स्कोर किया है, और 2023 में इन्होंने 8 मैच खेले है, 156 स्कोर किया है। लॉरेंसन की बात करें तो इन्होंने 6 मैच के लिए 102 स्कोर किया है। और बाकी दोस्तों बॉलर की अगर हम देखा जाए तो इनके लिए बेस्ट बॉलर है पार्चर, जो कि काफी बढ़िया है इस टीम की, बॉलिंग कर लेते हैं, 15 मैच पे 13 विकेट्स मिले हैं, अच्छे स्कोरर भी है। सो इस टीम के लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है फॉर ए कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ग्राउंड छोटा है तो उस स्थिति में डेफिनेटली कैप्टन आपको किसी टॉप ऑर्डर ऑलराउंडर को बनाना चाहिए, ना कि मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर। फिर भी एज ए बॉलर अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छे है, और साथ में बैटिंग भी ये कर सकते हैं। 2023 में इन्होंने 6 मैच खेले, 5 विकेट्स लिए, साथ में 41 स्कोर किया है। स्मिथ इनका विकेट कीपर है दोस्तों, टॉवी विटन एक अच्छे बॉलर है, आप देख सकते हैं इन्होंने वनडे कुछ मैचेस खेले हैं अंडर 19 में, और 3 मैच खेले और 5 विकेट्स लिए 21 में। और वैसे ही सेम देखा जाए तो विलियम चेट, जो कि एक और ऑप्शन है,
दो मैच खेले इन्होंने 21 में और एक विकेट्स मिली है। इन दोनों को ही अभी तक इंटरनेशनल खेलने की मौका मिली नहीं है, बट प्लेयर अच्छे हैं। इनकी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए T10 में काफ़ी अच्छे है, 11 मैच पे 12 विकेट, और दूसरा जो कि 14 मैच पे 12 विकेट्स लिए दोस्तों। बाकी नीचे अगर जूनियर प्लेयर की बात किया जाए तो यहाँ पे स्केलीज जो कि एक अच्छे प्लेयर है, अंडर 16 में इन्होंने 4 मैच पे 8 विकेट्स लिया है दोस्तों। आप देख सकते हो 4 मैच पे 8 विकेट लिया है अंडर 16 में, ठीक है। और उनके सबसे नीचे जो है वो फुलामन, जो कि 4 मैच पे 3 विकेट्स लिए इन्होंने अंडर 16 में। तो ये है एक्चुअली जर्सी का स्टैट्स, उनमें से कुछ प्लेयर जो बेस्ट ऑप्शन है उनको मार्क किया गया है, उन सारे प्लेयर्स के ऊपर जरूर नजर दीजिएगा। बाकी हम दूसरे वीडियो मिलेंगे दोस्तों एक और न्यू टीम्स की स्टैट्स के साथ। तब तक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बने रहे, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।